अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लेमन राइस की रेसिपी। लेमन राइस बहुत ही आसान है बनाने में और ये आप किसी भी टाइम पर खा सकते। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक भगोने में 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। ये आज हम लेमन राइस बचे हुए खाने से बना रहे हैं। जो हमारा लेफ़्ट ओवर राइस है रात का, वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो अब इसमें हम 2 टीस्पून माश की दाल डाल देंगे और हल्का सा इसका कलर टर्न होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। स्लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब ये 2 टीस्पून फल्ली डाल देंगे इसमें। फल्ली को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। तो चलिए, फल्ली अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें राई ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। राई को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब थोड़े से सूखे लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें। बीच में से तोड़ के डाले हम यहाँ पर, और 4 से 5 हरी मिर्च को कट करके डाल दिए बारीक। और ये थोड़े से करिया पाक के पत्ते हैं, 1 मुट्ठी। और ये 2 मीडियम साइज़ की चॉप करी हुई प्याज है, बारीक कट करी थी मैंने प्याज। तो ये सारे चीज़ें डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, ज़्यादा प्याज डालने से टेस्ट अच्छा आता। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को, थोड़ा सा कच्ची पक्की रहने देना है। बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करना है। तो अब नेक्स्ट इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, क्योंकि हम खाना बनाते वक्त भी नमक डाले थे इसलिए थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे अब। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पूरे चीज़ों के साथ, हल्दी और नमक को। अब जो पका हुआ खाना है, चावल जो है, वो डाल देंगे इसमें। तो आप कभी भी, आपके पास खाना बच गया हो चावल पकाने के बाद, जो भी खाना आपके पास बच गया हो तो आप वो यूज़ करिए यहाँ पर, वेस्ट नहीं होगा खाना। तो चलिए, अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ये पूरे बघार के साथ, जो हम बघा रहे थे अभी अभी, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो बघार है वो अच्छी तरह से चावलों के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हम। अब ये 2 नींबू का जूस है वो डाल देंगे इसमें। ये 1/2 kg के करीब चावल पके हुए थे वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब चलिए, धीमी आंच पर हम 10 मिनट के लिए इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं ढक्कन ढाँप कर। तो 10 मिनट हो गए, ढक्कन निकाल देंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है।
तो ये लेमन राइस या येलो राइस जो भी आप बोलते हैं ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बच्चों को बड़ों को सबको काफ़ी पसंद आता। आप इसको कोई भी टाइम पर खा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में ही यूज़ करते लोग। तो चलिए अब हम इसको एक डिश में निकाल देंगे। तो आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई लेमन राइस की, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बेल आइकॉन नज़र आता है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।